इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। पाकिस्तान का जीवन बीता किसमें? अपने आका की सेवा में। बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है ज्यूज, आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम। आपके सामने घटना घट रही है, आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं। नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, टूटने दो। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति, तो कहीं भारत दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना बन जाए। उस आप ही ने पकड़ लिया था उस गेम को, ओसामा बिन लादेन, पैलेस्टीन को उसने निशाना भी बना लिया था। ये सब ड्रामेबाजियां हैं। कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे कि भैया लड़ाई से कोई फायदा है नहीं, तो एक की लुंगी फटी रहेगी, दूसरे की धोती। और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। और वैसे भी शासकों के बारे में कहा जाता है कि वो 50 साल 100 साल आगे का कैलकुलेशन लेकर चलते हैं। अब सवाल ये उठा कि इजराइल पैदा क्यों हुआ? कहानी बड़ी पुरानी है। 71 AD के आसपास जब रोमनों ने भगाना शुरू किया ज्यूस को, बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है ज्यूस। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, बड़ी नफरत करते हैं इनसे। मेरा यह मानना है हर वो आदमी जो उपलब्धि की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, वो कैसा भी है व्यक्तिगत जीवन में, उससे सीखा जा सकता है। सीखने के लिए कोई पैमाना नहीं है सर, सीखने के लिए कोई पैमाना नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, इनसे बड़ी नफरत करते हैं ज्यूस से। पूछते भी हमसे, तुम ज्यूस के साथ हो? मैंने कहा मैं हर उस आदमी के साथ हूं जो उपलब्धि के ऊंचाइयों पर है। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, आपके सामने घटना घट रही है। इतना बड़ा इजराइल, इतना बड़ा, ये बिंदी देख रहे हैं, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। सर आपको शायद ही ये बिंदु दिखाई पड़ रहा हो, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। दुस्साहस देखिए इनका, आपको ये आकर्षित नहीं करता? आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। Whenever you are abusing someone, then it is explicitly clear, explicitly, that you are not in a situation to compete with that person. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में है सर। इतना ऑयल रिजर्वॉयर होते हुए तुम उनके गुलाम हो। 48 में मारा, 56 में मारा, यम किप्पूर के वॉर में मारा, 6 days वॉर में मारा, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं, स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट की एयरफोर्स पूरी उड़ा देते हैं। तुम्हें यह चीज आश्चर्य नहीं करती? बस गाली ही देते हो। अब सवाल यह उठा कि इजराइल पैदा क्यों हुआ? और मैंने आपसे कहा कि दुनिया में दो देश का निर्माण हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दबाव में। पाकिस्तान को, इजराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। ये बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे, और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया
तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था, एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? तुमको किसने रोका? लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका। कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीख मांगोगे, और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीख मांगेंगे? कब तक? हालांकि मैं बड़ा विरोध करता हूं पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर, उसके पीछे मेरे कारण होते हैं। कुछ लोगों को मुझे जब 30 पहुंचानी होती है तो मैं कुछ चीजें जानबूझकर बोलता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं, और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थाई समाधान नहीं है। वॉर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं, सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे, और कब तक हम राफेल पर खड़े होकर ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में, अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। और IP इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। कहते हैं कि रहमत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना। मैंने भी सपना देखा है IP का, इंडिया पाकिस्तान इनविंसिबल पावर। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझने की जरूरत है। 100 साल तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, 100 ईयर्स वॉर, और आज यूरोपियन यूनियन सब मिलकर चल रहे हैं। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग रहे, आज जर्मनी एक महाशक्ति है। सिर्फ विरोध करने, अब सवाल, फिर सवाल यह उठा कि आखिर इन दोनों शक्तियों को बनाया किसने? मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ज्यूज। पाकिस्तान को तो यहूदियों ने बनवाया, उसमें एक बहुत प्यारा नाम है, आप इस नाम के बारे में खोजिए करिएगा, सैमुअल होर। आप कहोगे पाकिस्तान को बना के यहूदियों को क्या फायदा है? फायदा? सर फायदा मैं बता रहा हूं आपको, फायदा क्या है। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो रेड वॉल बनी, 2 रेड वॉल्स, दो लाल दीवालें, 2 रेड वॉल्स। पहली रेड वॉल बनी 1945 में, ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट हो गया, पूरा ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट हो गया, हंगरी से ग्रीस, पूरा ईस्टर्न यूरोप रेड वॉल बन गई। दूसरा रेड वॉल 1917 से बन रही थी, ये सेकेंड रेड वॉल, ये पहली रेड वॉल, फर्स्ट रेड वॉल, ये सेकेंड, दूसरी रेड वॉल, सेकेंड रेड वॉल, पहली रेड वॉल ईस्टर्न यूरोप, सेकेंड रेड वॉल फार ईस्ट, ये जापान से इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा फार ईस्ट, प्रशांत महासागर का क्षेत्र पूरा। 1917 में पहला रेड खंभा कौन था? रशिया, रूस। 1949 में
नॉर्थ कोरिया, 1949 में चाइना, ये सब साम्यवादी मुल्क होते चले गए। 1960 में वियतनाम साम्यवाद की तरफ बढ़ने लगा, कम्युनिज्म। 1960 में भारत में साम्यवाद की लहर शुरू, इंडिया। इसी बैकग्राउंड में अमेरिका को वियतनाम में उतरना पड़ा कि बचाओ भैया, कि वियतनाम को बचाओ, वियतनाम अगर कम्युनिस्ट बना तो जो काट के पत्तों घर बनाते, एक पत्ता गिरा सारा गिर जाएंगे। बोले वही होगा, पूरा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो एक तरफ तो लाल दीवार बन चुकी है पूर्वी ईस्टर्न यूरोप की तरफ, और फार ईस्ट में अगर लाल दीवार बन गई तो इन दोनों दीवारों के बीच में ऑयल रिजर्वॉयर। और पॉलिटिकल साइंस कहता है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। राजनीति विज्ञान कहता है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। ये दो रेड वॉल, और इन दो रेड वॉलों के बीच ऑयल रिजर्वॉयर। तो पश्चिम ने दो खिड़की बनाई, पहली खिड़की पाकिस्तान 1947 में। इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, 1875 से। यह किससे कनेक्टेड था, सेंट्रल एशिया से, ईरान से। और दूसरी खिड़की इज़राइल 1948 में। इसकी कहानी कब शुरू हुई, 1897 से। यह किससे कनेक्टेड था, वेस्ट एशिया से। एक तरफ यह खिड़की खुलती थी ईरान में, और दूसरी तरफ यह खिड़की खुलती थी डियागो ग्रासिया, वो पाकिस्तान का जो बंदरगाह है, क्या नाम है उसका, ग्वादर, ग्वादर। और ये ग्वादर बंदरगाह किससे कनेक्टेड था, अमेरिका के बेस इंडियन ओशन में, जो अमेरिका का बेस है डियागो ग्रासिया। इन केस अगर पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा तो ये खिड़की खुली रहेगी। इस खिड़की से पाइप डालेंगे ईरान में, वहां से तेल लाएंगे ग्वादर पाकिस्तानी बंदरगाह पे, और वहां से लेकर आएंगे डियागो ग्रासिया। और ये दूसरी खिड़की, खिड़की का एक दरवाजा खुलेगा वेस्ट एशिया में, और दूसरा दरवाजा खुलेगा स्विस कैनाल में। अब मुसलमानों के लिए मुल्क बनाया पाकिस्तान, तो अगर मुसलमानों के लिए मुल्क हो सकता है तो यहूदियों के लिए मुल्क क्यों नहीं हो सकता। मुसलमानों का कोई अपना मुल्क हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया उनकी है। वो जहां सजदा कर दे वही मस्जिद, ऐसा मेरे विद्वान मुस्लिम भाई कहते हैं। जो भी पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान को बनवाया किसने, इज़राइल को बनवाया किसने, हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। आपने कहा मुसलमानों का मुल्क बनाएंगे, अच्छा ठीक है बना लो, बन गया। अब यहूदियों ने कहा हम अपना बनाएंगे, बोले यहूदियों कोई मुल्क नहीं। ये कैसे संभव है सरकार, अगर पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क हो सकता है तो यहूदियों का भी हो सकता है। 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क बन गया। इनको क्या पता था कि वो अपनी तैयारी कर रहे पीछे पीछे। तुम दो विरोधाभासी बातें एक साथ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तुम डबल स्टैंडर्ड की बातें नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लिए मुल्क बनेगा, मुसलमानों के लिए चलो बन गया, अब यहूदियों के लिए नहीं, यहूदियों कैसे बनेगा। इफ देयर कैन बी अ नेशन फॉर मुस्लिम्स, देयर कैन ऑल्सो बी अ नेशन फॉर ज्यूज। इज़राइल के पैदा होने से खतरा किसको बढ़ा, इजिप्ट को, लेबनान को, जॉर्डन को और सीरिया को।
पैदा कैसे हुए, ये पूरी कहानी, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर डायग्राम ये। कल आपको एक कहानी सुनाऊंगा इज़राइल के पैदा होने की और पाकिस्तान के पैदा होने, और दोनों कहानियां पैरेलल चलेंगी सर। 1875, 1906, 1909, 1924, 1930, 1940। साथ में चल रही सर कहानी, साथ में। कल दोनों कहानी का संबंध बताऊंगा आपको, दोनों कहानी के बीच एक गहरा रिलेशन, एक गहरी साजिश। लेकिन कोई बात नहीं सर, किसी ने मिटाया तो कोई बनाएगा भी तो, और कभी कभी लोग बनाते हैं, कोई मिटा देता है, ये तो खेल है सर। अकबर ने बनाया, औरंगजेब को समझ में नहीं आया, सारे खंभे हिला दिए। लेकिन कल इज़राइल की कहानी जब मैंने खत्म की और मैंने आपको बताया कि इज़राइल कैसे पैदा हुआ, पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, वो पूरा एक शो, हालांकि बीच बीच में नौजवान क्रांति की धारा भी चलती रही, इसलिए वो टुकड़ों में धीरे धीरे इधर उधर बट बट कर आपके सामने आता रहा। लेकिन हमारी टीम उस पर काम कर रही है कि वो पूरा पूरा एक शो आपके सामने दिया जाए। तो पाकिस्तान इज़राइल पैदा हुआ, कहानी शुरू हुई 1897 से, और फिर 1897 के बाद 1916 और 17 में बहुत बड़ी घटना रही जब दुनिया के माँ बापों ने एक्सेप्टेंस दे दी। फिर 1920 सेवरस की संधि, फिर मैंडेट सिस्टम, फिर 1936-37 पील कमीशन, फिर 1945 एक बार फिर इसराइल के विवाद को सॉल्व करने की कोशिश, फिर 1947-48 और इसराइल का जन्म हुआ। यह पूरी कहानी मैंने आपको कल सुनाई, ज़ियोन ऑर्गेनाइजेशन, बेलफोर डिक्लेरेशन, ट्रीटी ऑफ सेवरस, पील कमीशन, यूएस इन्वॉल्वमेंट, डेविड गुरियंस डिक्लेरेशन, ये पूरी कहानी एक सीक्वेंस में मैंने आपको सुनाई। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा कि पाकिस्तान और इज़राइल का जो जन्म है उसकी एक ही कॉन्स्पिरेसी है सर, एक साथ पैरेलल 1875, 1906, 1909, 1924, 30, 1940 और 1947 पैरेलल सर, स्टोरी पैरेलल चल रही है सर, पैरेलल। ये बड़ी मजेदार बात है सर, ये बड़ी मजेदार बात है सर। इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया कि यार ये पैरेलल, अब हो सकता है कि यहां पर पाकिस्तान बनाने की मंशा ना रही हो, लेकिन यहूदियों के बारे में, ज्यूस के बारे में, और वैसे भी शासकों के बारे में कहा जाता है कि वो 50 साल 100 साल आगे का कैलकुलेशन लेकर चलते हैं। राजा वही बनेगा जिसके पास फार साइटेडनेस होगी, जो आगे की चीजें देख लेता हो वो राजा बनेगा, जिसकी त्रिनेत्र खुली है वो राजा बनेगा, जिसको चीजें कनेक्ट होती हैं वो राजा बनेगा, जिसको समझ में आती है वो राजा बनेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है सर, पैरेलल कहानी चल रही है।
कैसे? अब 1800 इसकी भी एक बार कहानी सुना देता हूं, ये दोनों डायग्राम अपने पास रखिएगा आप, मैं दोनों को हालांकि एक साथ कंबाइन करके आपको फाइनली दे दूंगा, लेकिन पाकिस्तान कैसे बना और क्यों बना ये देखिए। 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा झटका था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है डिवाइड एंड रूल, जिसका भी शोषण करना है उसे बांट दो, उसे तोड़ दो। और 1857 के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका बनी। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अगर ये एकता बनी रह गई तो हम तो गए। अब सत्ता बदली, कंपनी से क्राउन के पास सत्ता आ गई। जो मॉडर्न युग का पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो दो पार्ट में है, एक 1757 से 1857 और दूसरा 1857 से 1947। ये कंपनी का काल है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्राउन का काल है, ब्रिटिश क्राउन। यहां विद्रोह हो गया और फिर विद्रोह होने के बाद सत्ता क्राउन के हाथ में आ गई। लेकिन लेकिन सत्ता क्राउन के हाथ में आई, लेकिन दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ। सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन डिड नॉट कम टू एन एंड। तो अब जब दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को यह बात एकदम स्पष्ट थी कि अगर हमने इन दोनों की एकता बरकरार रखी तो हम लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, फियर एंड अपीजमेंट। यह बड़ा प्यारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को तीन लोग इस्तेमाल करते हैं, एक नेता, दूसरा व्यापारी और तीसरा पुरोहित प्रीस्ट। बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, फियर एंड अपीजमेंट, भय भय और प्रलोभन। करते तो कहीं ना कहीं सभी हैं, मां बाप भी करते हैं, मां बाप भी करते हैं कि आईटी में हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन तो बाइक दिला देंगे, और नहीं तो गांव पे रखेंगे, गन्ना छिलवाएंगे तुमसे, वो भी भय और प्रलोभन है। क्योंकि फार्मूला बड़ा प्यारा है, नेता करते हैं इसका उपयोग, जागो ब्राह्मण फिर सत्ता में आ जाएगा, फिर शोषण करेगा तुम्हारा। ब्राह्मण अपने वर्ग से कहेगा, दलित अपने वर्ग से कहेगा। व्यापारी भी करता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, एक बड़ा सा नारियल रख देगा, उस पर एक हथौड़ा मारेगा खींच के, नारियल के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे, फिर वो कहेगा मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, स्टड हेलमेट। और पुरोहित करता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, भय किसका दिखाता है, नरक का, प्रलोभन किसका दिखाता है, स्वर्ग का, सारे धर्म सारे। तो अंग्रेजों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल उस कौम के प्रति ज्यादा हो सकता है जो पहले से कमजोर हो। और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80% 1870 में, तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है, मुसलमान, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलानाओं से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं नहीं कैसे हो गया, तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पर लोग जा नहीं रहे हैं। यह मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक हैं, फिर 80% गरीब पिछड़े क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। दूसरों को दोष देना, कोई भी चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष दे और चाहे मुसलमान समाज हिंदुओं को दोष दे, जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा अपने शहर में पता करो माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसकी पास नीतियां पता करो, कितना पैसा सरकार देती, आज से नहीं सर, पिछले न जाने कितने सालों से। तो ये फॉर्मूला, अब ये किताब आई, जब ये किताब आई तो बड़े आलिम आदमी थे सर सैयद अहमद साहब, जज थे, ईरानियन थे, ईरानियन बाय डिसेंट ईरानियन थे, परिवार उनका ईरान से था, और ईरान के लोग तो खैर पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, ईरान की कल्चर ही अलग है, पढ़ाई लिखाई तो शिराज तो बहुत बड़ा केंद्र पढ़ाई का। तो सर सैयद अहमद साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया। और तब उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बहुत बढ़िया। लेकिन पता करिएगा सर, उसका जो पहला प्रिंसिपल था थियोडोर बेक, वो जीव था सर। थियोडोर बेक, उसका जो पहला प्रिंसिपल था, पहला थियोडोर बेक, अब जो घनिष्ठ दोस्त, दो घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ आपका कोई बड़ा प्रिय दोस्त और आपके दुश्मन के साथ बैठ जाए और बैठे ना मुस्कुराए और एक ही केक में से आधा आधा खाए, तो दर्द तो होगा सर। तो जब मोहम्मद, जब अब सैयद साहब को जमीन किसने दी? सरकार ने दी। सारी सुविधा किसने दी? सरकार ने दी। सैयद साहब सरकार की तरफ चले गए, हिंदुओं को दुख हुआ सर। तो रिएक्शन हुआ उसका, और रिएक्शन यह हुआ कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया। एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट शुरू कर दिया कि गाय नहीं कटने देंगे। और यहीं से दोनों समुदाय के बीच तनी तना की शुरुआत हो गई 1875 से। अब सैयद साहब ने सारी मदद ली सरकार की। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो अंग्रेजों ने सैयद साहब को बुलाया, बोले सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, बोले हाँ वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाए, बोले फरमाना क्या है यार, ये कांग्रेस वांग्रेस बनाई है इन लोगों ने और कुछ आप करिए, हमारे हमने आपके लिए इतना कुछ किया है। बोले सरकार आदेश करे क्या करना है, बोले कांग्रेस का विरोध करिए। 1885 कांग्रेस बनी INC, और 1887 यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद, इनका नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ये राजा महाराजा ये तो वैसे भी अंग्रेजों के पिट्ठू हैं,
शिव प्रसाद तो ऐसे ही जोड़ दिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस और उसकी नीतियों का विरोध करना। और यहीं से भारत में शुरू हुई सांप्रदायिक दंगे। 1890s कानपुर, तो जो खाई बनी थी, जो रिफ्ट हुई थी, उसमें और दरार बढ़ गई। और इसी परिस्थिति में 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस बंगाल विभाजन के पश्चात मुझे ऐसा लगता है बंगाल विभाजन संप्रदायवाद की ग्राउंड तैयार हो चुकी थी 1887 तक भारत में। और किसने किया? ब्रिटिश हुकूमत ने। क्यों? राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। तो संप्रदायवाद अंग्रेजों ने, क्यों? राष्ट्रवाद पर कंट्रोल करना था उन्हें। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक संप्रदायवाद भारत में मौजूद। कर्जन भारत पहुंचा, दिमागदार आदमी था, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसने कहा मैं अपने मुसलमान भाइयों को इन काफिरों से बचाना चाहता हूं। ईसाई जो है मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। गद्दाफी उनका सगा भाई था, खाला का लड़का था, सद्दाम हुसैन फुप्पी के लड़के थे, ये सब भाई मानते हैं। ये सब ड्रामेबाजियां हैं। इस देश में एक बार इतिहास को सबको कायदे से पढ़ा दो। कायदे से इस देश में इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, किंवदंतियों में पढ़ाया जाता है। अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं लोग। और कॉन्सेप्ट लाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के साथ एक चीज शुरू हुई, स्वदेशी आंदोलन। दोनों आए, हिंदू मुसलमान दोनों आए। शुरुआत में दोनों आए। कर्जन को इस बात का अंदाजा नहीं था, है तो एक ही। इस देश का मुसलमान भी तो इस देश की मिट्टी का है, हैं तो सब एक ही ना, हैं तो सब इसी मिट्टी के। लेकिन कर्जन को यह बात लगी यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो साथ में आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर कर्जन ने क्या किया, ढाका के नवाब को पकड़ा, सलीमुल्ला को। सलीमुल्ला से कहा रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो? बोले सरकार रहना चाहते हैं। बोला रहना चाहते हो तो रोको मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन में जाने से। बोले सर कल रोक देंगे। बोले कल मत रोको, आराम से रोको। सलीमुल्ला ने मौलानाओं को बुला लिया। मौलानाओं ने कहा सरकार शुक्रवार का टाइम दे, शुक्रवार के बाद कोई मुसलमान नहीं जाएगा स्वदेशी आंदोलन में। और शुक्रवार की नमाज हुई, मौलाना ने कहा स्वदेशी आंदोलन तो इस्लाम के खिलाफ है। सर हमें एक बार कोई ऐसा विद्वान मुसलमान का मिलाइए जो ये साबित कर सके कि इस्लाम के खिलाफ क्या क्या है। इस्लाम के खिलाफ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये समस्त यूनिवर्स उसका है, ब्रह्मांड। वंदे मातरम बोल दोगे तो ईमान छूट जाएगा। चाइना का समान है कि कोई गारंटी नहीं ईमान की। हम चाहते हैं कि एक बार ये जो बहुत बड़े बड़े, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, 10-20 किताबों को पढ़ा। एक से एक मुसलमान इस देश में रहे, उनका ईमान कभी खतरे में नहीं पड़ा। और मैं इस देश की जो आम जनसंख्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि 70% देश के लोग इनोसेंट हैं, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। ये जो 20% है ना, 20 जो मलाई खा रहे हैं देश की, जो भड़का रहे हैं अपने अपने वर्ग को और दलाली खा रहे हैं,
ये दिक्कत उनकी है। और जाके मौलाना ने कह दिया कि स्वदेशी आंदोलन इस्लाम के खिलाफ है। बोले कैसे? बोले गंगा में तुम डिप लगा रहे हो। गंगा उसने नहीं बनाई, तुम रक्षाबंधन मान रहे हो, तो तुम रंग लगा रहे हो दूसरे के चेहरे पे, खत्म। और मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन छोड़ना शुरू कर दिया, वहीं पे हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। जैसे दंगा हुआ वैसे आगा खान, ये इन लोगों को मालिक कभी माफ नहीं करेगा। ये गए लॉर्ड मिंटो से मिलने, आगा खान डेलीगेशन, आगा खान डेलीगेशन मिंटो से मिलने गया कि सरकार हिंदू हमको मार रहे हैं, सरकार हमको सुरक्षा दीजिए, सरकार और हमको प्रमोशन दीजिए। तो मिंटो ने कहा कि ऐसे भिखमंगों की तरह सरकार से नहीं मांगा जाता है, कोई यार संवैधानिक दल बनाओ, सरकार से चले आए बाहर खड़े होकर मांग रहे हैं साफ रिजर्वेशन दे दो, कुछ दल बनाओ, दल पार्टी बनाओ। बोले पार्टी बना लेंगे सर। और 1906 में बन गई मुस्लिम लीग। ये मुसलमान सामंतों ने बनाई। और जैसे ही मुस्लिम लीग बनी, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तुरंत इसका विरोध किया। एक नया आंदोलन चला भारत में, अहरार आंदोलन 1907, पढ़िएगा। पूरा संप्रदायवाद का जो लेक्चर है 6 घंटे का है, वो टुकड़ों में मैं YouTube पे डलवा दूंगा, पढ़िए आप। इस देश को दो जहर से बचाना है, एक जातिवाद, उसके लिए मैंने पूरी एंशिएंट इंडिया फ्री कर दी है। 3 तारीख से आपको एक एक अंश डेली मिलना शुरू हो जाएगा। ये दो सबसे बड़े जहर हैं, बाकी तो हम सब निपट लेंगे। ये दो जहर, एक संप्रदायवाद, एक जातिवाद, अनावश्यक, बिना मतलब। और फिर अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार ने यह सुझाया था, बोले ले लो। खैर, मैं आपको कहानी सुना रहा था पाकिस्तान के जन्म की, और कहानी यह थी कि जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय आंदोलन, तो अंग्रेजों को इस राष्ट्रीय आंदोलन को कंट्रोल करना था, नियंत्रित करना था। तो इसको नियंत्रित करने का जो सबसे अच्छा अस्त्र उनके पास था वो था कम्युनलिज्म। इसलिए 1857 के बाद आप हिंदुस्तान में दो धारा देखोगे, एक राष्ट्रवाद की धारा, नेशनल मूवमेंट की धारा, और दूसरी कम्युनलिज्म की धारा। साथ साथ पैरेलल चलेगी सर। 1905 एविडेंस लीजिए, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग, यू कांग्रेस, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर इंडिया, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडियंस। मुस्लिम्स दे हैव देयर ओन पार्टी। नाइनटीन ट्वेंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 20s, 24, 23, 24, 1922 to 30, golden era of communalism, series of events, Shuddhi movement, Tabligh, Tanzeem, 1930, civil disobedience,
1930 अल्लामा इकबाल अलाहाबाद सेशन डिमांड्स ऑटोनोमस ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स पैरेलल सर पैरेलल पैरेलल इट वॉज अ वेरी गुड वेपन इन द हैंड ऑफ इंग्लिश लेटर ऑन इट बिकेम अ वेरी गुड टूल इन द हैंड ऑफ इंडियन लीडर्स सबने यूज किया है सर सबने आज की दिन इस देश का कोई भी नेता यह नहीं कह सकता कि मैंने कम्युनलिज्म को यूज नहीं किया मैंने कास्टिसिज्म को यूज नहीं किया मैंने छात्र रीजनलिज्म को यूज नहीं किया सबने और जिसने नहीं किया वो पर्दे पर कहीं है ही नहीं सबने सारी पार्टियों ने किसी एक पार्टी को दोष देने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं सबने खैर बात हमारी चल रही थी इसराइल और पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की कहानी मैंने आपसे बताया 1875 में शुरू हुई एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ फिर यह कहानी आगे बढ़ी 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी फिर यह कहानी और आगे बढ़ी जब 1909 का एक्ट आया और उसने सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दिया ये जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है इसको मिंटो ने ड्रैगन स्ट्रीट कहा ड्रैगन स्ट्रीट क्या कैलकुलेट करके चाल देखी उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल इस पृथक निर्वाचक मंडल का जो सरकार का उद्देश्य था सेपरेट इलेक्ट्रेट 1909 सेपरेट इलेक्ट्रेट सरकार ने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है अच्छा इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है बैकवर्ड है क्यों आरएसएस की वजह से नहीं नहीं आरएसएस यहां कहां है बीजेपी नहीं नहीं बीजेपी भी नहीं है अरे तो फिर क्यों पिछड़ा हुआ है नहीं नहीं पिछड़ा हुआ है बस अरे भैया तो कोई तो वजह होगी पिछड़ा रहा होगा नहीं पिछड़ा हुआ है हम बस कह रहे हैं पिछड़ा है तो पिछड़ा है बस अच्छा ठीक चलो पिछड़ा है फिर तो हम उसको पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं किस लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट दे रहे हैं किस लिए उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए अच्छा तुम उसको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हो जी ओहो तो इसको रिजर्वेशन दे दो बात तो वही है ना कि भैया को खांसी आ रही है रम पिलाना पड़ेगा तो रम 10 दिन पिला दोगे नशेड़ी हो जाएगा काढ़ा पिला दो अदरक का रस मिला के पिला दो वो भी गर्म होता है पाए का जूस दे दो वो भी गर्म है नहीं 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 वो रम रम ही चलेगा इसके लिए रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचक मंडल रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्ट्रेट अब रिजर्वेशन में हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन अब गोंडा एक जगह है अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व्ड सीट घोषित होती है मुसलमानों की तो प्रतिनिधि जो होंगे कैंडिडेट वो सिर्फ मुसलमान होंगे ओनली मुस्लिम्स पर इनको वोट सभी करेंगे
कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, पर इनको वोट सभी देंगे रिजर्वेशन में। तो अगर फरहान भाई हमारे सीनियर हैं गोंडा के, फरहान भाई, फरहान अहमद हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो आशा करता हूं कि वो कभी ना कभी गोंडा से सांसद बनेंगे। तो अगर फरहान भाई हमारे गोंडा से इलेक्शन लड़ते हैं और फरहान भाई गोंडा के एमपी बनते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर गोंडा को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट डिक्लेयर की जाती है तो कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, वोटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब यहां अगर फरहान भाई एमपी बनते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, और वो जब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो इससे अलगाववाद पैदा होगा, सेपरेटिसिज्म। यही वो चाहते थे, यही वो चाहते थे। और इस देश के लोगों को एक आदत है अपीस करने की, बहुत बड़ी संख्या में आदत है अपीस करने की। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। और मुसलमानों को बर्बाद होने की इस देश में सबसे बड़ी वजह, जिसको सुनकर वो बहुत तिलमिला जाते हैं, तुम तो आरएसएस के आदमी हो, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कब से? 1916 से। काम करो उनके लिए, अपीजमेंट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, टूटने दो। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की किस्मत बदल दी, एक। क्यों? क्या मांगा उसने गवर्नमेंट से? शिक्षा। उन्होंने कहा मेरे लोगों को शिक्षा दे दो बस, हम एमपी बने ना बने, हम मिनिस्टर बने ना बने, हमारे लोगों को। आप पूना समझौता पढ़िए पूरा, आप गांधी और अंबेडकर का पूना समझौता पढ़िए, उसमें मांगे देखिए अंबेडकर साहब की गांधी जी से, शिक्षा। अ पार्ट ऑफ बजट विल बी एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ दलित्स। ये अब 1909 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो 1924 तक पहुंचते पहुंचते कितने साल? 13 साल। 13 साल में हिंदू और मुसलमान के बीच एक अलगाववादी भावना पनपने लगी, पनपने लगी। और उसका सबसे बड़ा एविडेंस था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जिसने इस टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान अ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। और जब इसने कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि बच्चा है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, पर सही सोच रहा था। पर सही सोच रहा था सर, एकदम सही सोच रहा था। जब इसने इस टर्म को कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि बच्चा है यार, अभी छोटा सा ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा ही बोल दिया होगा, पर सही सोच रहा था। '19 का एक्ट आया, इलेक्शन सोए, इलेक्शन का पीरियड 1922, उसी वक्त आप देखोगे शुद्धि आंदोलन, जमात सब एक्टिव हो गए, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। और 1930 में जब इलाहाबाद सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो यहीं पर अल्लामा इकबाल साहब ने कहा ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस।
हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। 500 साल रहे नहीं, 500 साल रहे नहीं, 1206 से 1707 रहे ना, राणा प्रताप की आर्टिलरी कौन संभाल रहा है, हाकिम खान सूर, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों की आर्टिलरी कौन संभाल रहा है, इब्राहिम गर्दी, शिवाजी की स्पेशल विंग है मराठों की मुगलों से लड़ने के लिए, तब तो रहे। इकबाल साहब कुछ और ही कैलकुलेट कर रहे थे, कुछ और ही लोगों के संपर्क में थे, बड़े आलिम आदमी थे, बड़े मतलब खुदी का कॉन्सेप्ट जो इनका है वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो लगता है कि एनलाइटनमेंट के बहुत करीब रहे होंगे। कम से कम करीब ना भी रहे हो तो विद्वान तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर 1930 बात आई गई हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ हमला किया और ब्रिटेन ने कहा कि भारत हमारे साथ है और पोलैंड को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, ब्रिटेन इज ऑन अवर साइड एंड इज कमिटेड टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड, बिना भारत के नेताओं से पूछे, पूछ तो लो भैया, गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हो, बोले बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, बोले मजाक कर रहे हो, एक गुलाम देश दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है, और अगर तुम आजादी को इतना प्रेफरेंस देते हो तो हमें भी आजाद कर दो। तो इनको लगा कि अब राष्ट्रवाद की धारा फिर से मजबूत होगी, इसको काउंटर करो। तो 1940 में लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का और यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की कि मुसलमानों के लिए हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। तब पर भी लोगों ने इतना ज्यादा वो नहीं लिया, पर तब तक इसराइल की पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि अगर इसराइल बनेगा 1940, गौर करना इसराइल की कहानी बता चुका हूं, 1940 में यह भी क्लियर हो चुका था कि इसराइल बनेगा, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईस्टर्न क्वेश्चन में आना ही था। 1941 पर्ल हार्बर, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर चुका था। 1926 डाउस प्लान, अमेरिका पूरी पैसा बांटना शुरू कर चुका था, अमेरिका महाजन बन चुका था और उसे भी ईस्टर्न यूरोप में बैठना था। 1926 से अमेरिका बनने लगा महाजन, पैसा बांटने लगा। 1926 अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों भागीदारी की, महाजन उससे पहले वो प्रथम विश्व युद्ध में वो है, तटस्थ है। 1926 में डाउस प्लान, अमेरिका महाजन बनने लगा। डाउस प्लान के अंतर्गत किसको पैसा दिया, जर्मनी को। जितने भी देश परेशान थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सबको पैसा बांटना शुरू किया। 1926 के बाद ब्रिटेन ऑफिशियली महाजन होना शुरू हो गया, पैसा बांटने लगा, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1945 में ट्रूमैन प्लान, ग्रीस को पैसा दिया, टर्की को पैसा दिया और 1947 में अमेरिका ऑफिशियली पूरी दुनिया में है, किसको पैसा चाहिए भैया,
और दे दो पैसा। जब अमेरिका ने महाजनी शुरू की तो रूस ने भी शुरू की मोलोटोवा प्लान। 1945 के बाद अमेरिका के पास इकोनॉमी है, एम्पायर नहीं है, और इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव नहीं कर सकती। डायरेक्टली अमेरिका दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता। अभी अभी एशिया और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मुल्क आजाद हुए थे और अमेरिका ही ने नारा दिया था अटलांटिक चार्टर, एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। उधर रूस कम्युनिज्म इंपीरियलिज्म के हम खिलाफ है, तुम किसी पे कब्जा कर ही नहीं सकते। सॉरी लेकिन नियम तो नियम है ना सर, अगर तुम इकोनॉमी के पीछ पे पहुंचोगे तो साम्राज्य तुम्हें चाहिए। तो इन लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, बैकडोर रास्ता, मार्शल प्लान, पैसा बांटो। ये सब नए नए मुल्क आजाद हुए थे, पैसा इनके पास था नहीं, इनको भी विकास करना था, डेवलप करना था, तो इन्होंने कहा पैसा बांटो, मार्शल प्लान। अमेरिका ने कहा पैसा बांटो। रूस ने कहा यार ये तो पैसा बांट के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो रूस ने अमेरिका के मार्शल प्लान को क्या कहा, डॉलर इंपीरियलिज्म। रूस ने कहा कि पूरी दुनिया पर अमेरिका डॉलर की ताकत से कब्जा करना चाहता है। और फिर रूस ने एक नया प्रोग्राम चलाया, मोल्टोवा प्लान, कि जो भी देश सम कम्युनिज्म के नियम को मानेंगे हम उन्हें आर्थिक सहायता देंगे, मोल्टोवा प्लान। अब नेहरू जी भारत 1947 में भारत पैदा हुआ, पाकिस्तान ने तो तुरंत अमेरिका से पैसा ले लिया कि भैया हमको दे दो, भैया पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान तो लाडला बेटा 1947 में, हाँ बोले ले ले बेटा, ले ले, ले लिया। 1926 डाउस प्लान, अमेरिका पूरी पैसा बांटना शुरू कर चुका था, अमेरिका महाजन बन चुका था और उसे भी ईस्टर्न यूरोप में बैठना था। और ब्रिटेन के कंधे पर सर रखकर उसने अपने बैठने की जगह भी तैयार कर ली थी, पैलेस्टीन को उसने निशाना भी बना लिया था। उसे पता था कि अगर इसराइल बनेगा तो सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे। यह बात उन्हें पता थी कि सारे एक हो जाएंगे, सारे, हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा। हालांकि वो अपना और भी गेम खेल रहे थे, अरब वर्ल्ड को डिवाइड कर चुके थे, मुस्लिम वर्ल्ड को पूरा डिवाइड कर चुके थे। इनके पास तेल था, इन्हें वो तेल निकाल लेना था, इनका इनका भी निकाल लेना था, जमीन का भी निकाल लेना था, इनको पैसा देना था, पैसा वापस लेना था। सर अगर आप मिडल ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ो ना पिछले 70 साल की, आपको इतनी हंसी आएगी सर, आप हंसेंगे कि ये मिडल ईस्ट, यहां पे कोई एक आदमी अच्छा सोचता था सर, उसको मार डाला इन लोगों ने, ढूंढ के मारा उसे, उस आदमी ने पकड़ लिया था उस गेम को, ओसामा बिन लैडेन, उस आदमी ने वो गेम पकड़ लिया था कि इन्होंने हमें अपने संरक्षण में लिया, हमें डिवाइड किया, एक दूसरे से लड़ाया और हमें हथियार बेचा, हमें कॉलोनाइज किया, हमें गुलाम बनाया। उसने वो जो हिडन इंपीरियलिज्म कॉन्सेप्ट है वो पकड़ लिया, सद्दाम हुसैन पकड़ लिया था उसने, इन लोगों ने पकड़ लिया, समझ गए थे ये लोग, ये सब मारे गए सर, ये सब मारे गए। 1940 इसराइल की भी बैकग्राउंड तैयार है सर। तो इन्हें लगा बॉस इंडिया में तो खेल चल ही रहा है, अगर हम मुसलमानों का एक देश बनवा दें तो हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड हो जाएगा इसराइल को बनाने का। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, यूएसएसआर पावरफुल बनकर उभर रहा था, इनको वेस्ट एशिया में तो अड्डा चाहिए था, सेंट्रल एशिया में भी अड्डा चाहिए था, इनको अड्डे तो चाहिए ही चाहिए थे। इन लगा यार अगर पाकिस्तान बन जाए तो हमारा बहुत बड़ा अड्डा हो जाएगा कम्युनिज्म के खिलाफ सेंट्रल एशिया में।
प्रिकॉशन, क्या पता कल ईरान से बाहर निकलना पड़े, और निकलना पड़ा 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन, हालांकि ब्रिटेन वहां बैठा हुआ था 1940 में, 55 बगदाद पैक्ट में अमेरिका भी पहुंच गया, लेकिन जो मैच्योर लोग होते हैं ना सर, वो प्रिकॉशन लेके चलते हैं। जैसे चेस के गेम में हम एक प्यादे को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को बैक करते हैं। तो ये वेस्ट के जो कैपिटलिस्ट हैं और स्पेशली ज्यूज हैं, कई सारा मुद्दा पाकिस्तान फुलफिल कर रहा था। पहला मुद्दा कि अगर मुसलमानों का देश बन गया तो हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड हो जाएगा यहूदियों का देश बनाने के लिए, और वहां मुसलमान हमें काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे मुसलमानों का देश बनेगा ये सारी मुस्लिम कंट्रीज सैंक्टिफाई कर देंगी कि वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। और एक बार वेल डन बोल दोगे तो फिर विरोध कैसे करोगे? दूसरा मुद्दा यह था कि एक हमारा अड्डा हो जाएगा सेंट्रल एशिया में यूएसएसआर के खिलाफ, और हुआ ही। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, किसने हटाया अफगानिस्तान से यूएसएसआर को? पाकिस्तान ने, तालिबान बनाई। पाकिस्तान का जीवन बीता किसमें? अपने आका की सेवा में। चौथा बात यह था, इनकेस पूरी एशिया अगर कम्युनिस्ट हो जाए, इनकेस रेड वॉल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, यह तीसरा रीजन था कि इनकेस अगर पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो गया तो सेंट्रल एशिया में हमारा एक कैपिटलिस्ट अड्डा बचा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बनाने के रीजन, पहला रीजन इज़राइल का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अगर मुसलमानों का देश हो सकता है तो यहूदियों का भी हो सकता है। दूसरा रीजन, सेंट्रल एशिया में अड्डा, बेस इन सेंट्रल एशिया। चौथा रीजन, प्रिकॉशन अगेंस्ट कम्युनिज्म। और पांच चौथा रीजन, तीसरा और चौथा रीजन, बड़ा जबरदस्त रीजन सर, बड़ा जबरदस्त, आपने शायद गौर ही नहीं किया होगा, लेकिन बहुत जबरदस्त रीजन, कि भारत को आजाद कर देंगे, भारत के पास रिसोर्सेस है, कॉटन है, कोल है, आयरन है, ह्यूमन रिसोर्स है, काबिल नेता है। तो जो हाल यूएस का हुआ 1787 में, हमने यूएस को आजाद कर दिया और फिर यूएस सुपर पावर बन गया, और आज हम अगर भारत को आजाद कर देंगे बिना किसी टेंशन के तो ये तो दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाएगा। क्या कमी है इसके पास? और पाकिस्तान अगर भारत में रहेगा तो भारत की सीमा ईरान से मिलेगी, एनर्जी भी मिलती रहेगी, ऑयल भी मिलता रहेगा, नेचुरल गैस भी मिलता रहेगा। ये अमेरिका की कहानी दोहराना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि भारत के पास सारी क्षमता है। एक गलती ये कर चुके थे पीछे, अमेरिका को आजाद कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787, और 13 कॉलोनियां दुनिया की सुपर पावर बन गई। क्यों? ह्यूमन रिसोर्स, कॉटन, कोल, आयरन, एनर्जी। तो कहीं भारत दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना बन जाए, पता लगा अभी हम दो लंबरदार लड़ रहे हैं, एक तीसरा लंबरदार खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बोले बॉस एक काम करो, उलझा दो, यूएस की स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहते थे। और पांचवी बात, कि जब दो पड़ोसी हो जाएंगे और दो पड़ोसियों के बीच में सबसे कीमती चीज कश्मीर, अल्लामा इकबाल साहब की कैलकुलेशन फेल कर गई। उनको पता था कि अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो कश्मीर को इंडियन यूनियन के साथ जाना पड़ेगा, तो कश्मीर को इंडियन यूनियन के साथ जाना पड़ेगा। कश्मीरीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल इन दिस वर्ल्ड। हमारी सेपरेट आइडेंटिटी बचेगी नहीं,
लेकिन वेस्ट सोच रहा था कि कश्मीर के मुद्दे को अभी सॉल्व ही मत होने दो, मुद्दा फंसा दो और दोनों को हथियार बेचो, तो एक की लुंगी फटी रहेगी, दूसरे की धोती, एक F-18 खरीदेगा, दूसरा रफेल, और ड्रेन ऑफ वेल्थ चलती रहेगी। तो कहने के लिए तो ये आजाद रहेंगे, लेकिन हम इनका इकोनॉमिक शोषण करते रहेंगे। अगर पाकिस्तान को 47 में कोई नेहरू मिला होता ना, तो आज पाकिस्तान भारत पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ जोड़ रहा होता। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य, ना उसे नेहरू मिला, ना उसे शास्त्री मिला, मिले ही नहीं ये सब नेता उसे, ना उसे बिस्मार्क मिला, ना उसे लिंकन मिला, थे, ऐसा नहीं नहीं थे, थे थे। ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल नहीं है, जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन किसको समर्थन मिलेगा, गब्बर किसके साथ खड़ा होगा। जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत से समझौता, वहां भी बड़े सारे राजनेता थे जिन्हें इस बात का एहसास होता था कि यार हम भूखे नंगे लोग, यार हम क्यों हथियार कर लेते, समझौता कर लो यार, कुछ रास्ता निकाल लो बीच का। जब जब किसी नेता ने भारत के साथ समझौते की कोशिश की, तख्ता पलट हो गया। नवाज शरीफ तो मरने से बचे, ऐसा नहीं कि उधर लोगों को समझ में नहीं आता, उधर भी आता है। और हमने तो हमेशा कोशिश की, हमेशा, कि भैया लड़ाई से कोई फायदा है नहीं। यह मैं आपको कंपेयर कराना चाहता था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान बनने की संभावनाएं खत्म हुई, कम हुई, सॉरी खत्म नहीं हुई। कैबिनेट मिशन प्लान आया, संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस फिर मेजॉरिटी में आ गई, और तब जिन्ना साहब ने कहा 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। किसके बल पे? बोले अंकल के बल पे, अंकल तो हैं ही हमारे साथ। और फिर 1947 में पाकिस्तान बना लिया, और 1948 में इज़राइल बन गया। ये अमेरिका का अड्डा है वेस्ट एशिया में, ये अमेरिका का अड्डा है सेंट्रल एशिया में।